भारतीय राजनीति की सियासी बिसात बिछाने में माहिर माने जाने वाले प्रशांत किशोर हैं ये। इन्हें भारतीय राजनीति के धुरंधरों को सत्ता का स्वाद चखाने में महारत रखने का रणनीतिकार माना जाता है। कभी ये शाह के सारथी थे तो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी, मगर अब ये ममता बनर्जी के साथ हैं। मगर टीएमसी को बंगाल में एक बार फिर विजय दिलाने के इरादे से सियासी मोहरे बिछाते प्रशांत किशोर पर हंगामा खड़ा हो गया है। इस हंगामे की पटकथा उसी रोज शुरू हो गई थी जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाहरी कहा था। যত ছোট ছোট হোটেল আছে তারা খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কড়া, তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলা ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন। ममता बनर्जी ये संदेश देना चाहती थीं कि बंगाल में बाहर से आए लोगों की नहीं चलेगी, मगर ममता बनर्जी को बंगाल में ही बीजेपी ने करारा जवाब दिया था। जरा बाहर लोग के बोलते बहिरागत हमारे नेता प्रधानमंत्री के गृहमंत्री के प्रशांत किशोर के टाका दिए बिहार के बहिरागत नन। जिन्हें आईपीएल नाचानाची करें शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बांगला बहिरागत नन। দিদিমণির ভাইপোর বউ পাঞ্জাবি মেয়ে থাইল্যান্ড থেকে এসছে, সে বহিরাগত নয়, বাড়ির বউ হয়ে গেল। আর আমাদের নেতার বহিরাগত, এই পাগলামি জবাব লোকে দেবে। बीजेपी को तो मानो सजी सजाई थाली मिल गई। राजनीति का माहौल ऐसा हो रखा था कि जहां एक ओर प्रशांत किशोर के प्रति तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी थी, तो वहीं ये भी डर था कि कहीं आने वाले दिनों में उन नेताओं का रुआब या रुतबा कम न हो जाए। ये नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि कई नेताओं ने इसे बोलना शुरू कर दिया तो कईयों ने अपनी तरफ से इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए। जहां एक और नाराजगी है तो वहीं कई दुविधा में हैं कि आखिरकार पार्टी में रहना है कि आगे कदम बढ़ाना है, जिसका पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है। मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक नियामत शेख ने एक पब्लिक रैली में प्रशांत का खुलेआम विरोध करते हुए कहा था, क्या हमें प्रशांत किशोर से राजनीति समझने की जरूरत है? कौन है पीके? और तो और बैरकपुर विधानसभा से टीएमसी विधायक शील भद्र दत्ता ने पीके की एजेंसी पर हमला बोलते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान तक कर दिया। सियासी गलियारों की माने तो ये गलत नहीं होगा कहना कि लगातार प्रशांत किशोर के खिलाफ नाराजगी लोगों में बढ़ती ही चली गई। आलम यह है कि नाराजगी का इजहार भी किया गया, लेकिन जब पार्टी के आला कमान ने ये साफ कर दिया कि उन्हीं की बात सर्वोपरि रखी जाएगी तो खलबली मच गई। खलबली अब नेताओं में इस कदर मची है कि कई पार्टी छोड़कर जाने को तैयार हैं और कई अब सवाल कर रहे हैं कि जमीनी स्तर से जुड़े होने के बावजूद इन सारी बातों का मतलब ही क्या है। फिलहाल इस खलबली को इस खेमे की खलबली में बदलते हुए देखा जा रहा है, जिससे जहां एक और पार्टी में परेशानी है तो वहीं कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अब खुद पार्टी ही खोज रही है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता आज तक।